हेलो दोस्तों, वेलकम टू शार्कस गेमिंग। तो आप लोगों को पता है नया अपडेट आ चुका है और इस नया अपडेट में आप लोगों को गेम के अंदर छोटे छोटे चेंजेस दिखने को मिलेगा। तो आज मैं आप लोगों को 10 छोटे छोटे चेंजेस के बारे में बताऊंगा। वैसे तो नॉर्मली बहुत सारा चेंजेस है, लेकिन मैं आज आप लोगों को सिर्फ 10 के बारे में ही बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। नंबर 1, कटाना एनिमेशन। अपडेट से पहले अगर आप कटाना लेके दौड़ोगे तो नॉर्मल की तरह दौड़ता है, लेकिन अपडेट के बाद अगर आप कटाना लेके दौड़ोगे तो आप लोगों को दौड़ने का तरीका फ्री फायर मैक्स की तरह दिखाई देगा। साथ ही आप लोग के दौड़ने का जो है स्पीड वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं। इसके बाद और एक वेपन है साइटी या फिर साइटी, जिसे मैं कुल्हाड़ी बोलता हूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग ये इसको क्या बोलते हैं। तो अगर आप ये कुल्हाड़ी भी लोगे तो आप लोग को जो है दौड़ने का तरीका वो फ्री फायर मैक्स की तरह दिखाई देगा, साथ ही वो दौड़ने का स्पीड थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो अपडेट के बाद इन दो मिली वेपन कटाना और साइटी, इन दोनों में थोड़ा चेंजेस दिखने को मिला है। नंबर 2, फ्री फायर प्रिंटर। अपडेट से पहले अगर आप फ्री फायर प्रिंटर में रिवार्ड ओपन करते हो तो आप लोगों को 2 रिवार्ड दिया जाता है, एक है गोल्ड कॉइन और एक है डायमंड, और डायमंड भी आप लोगों को 1-2-5 दिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अपडेट के बाद आप लोगों को फ्री फायर प्रिंटर में लेग पॉकेट, रिसप्लाई मैप, आर्मोर क्रेड और गोल्ड कॉइन कुछ इस तरह से रिवार्ड दिखने को मिला। डायमंड तो बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि अपडेट के बाद डायमंड जो है पूरा हटा दिया गया है। नंबर 3, मील। अपडेट से पहले नीचे से ऊपर जाने के लिए एक टायर दिया जाता था, लेकिन अपडेट के बाद वो टायर हटा दिया गया है और यहाँ पे आप लोग अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो सीधा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और साथ ही साइड में जो एक गड्ढा था वो भी बंद कर दिया है, और अभी अगर मील पे जाओगे तो कुछ इस तरह आप लोग को दिखने को मिलेगा। नंबर 4, FF कॉइन। अपडेट से पहले FF कॉइन आप लोग को 1-2-3 करके ऐसे दिखाई देता था, लेकिन अपडेट के बाद आप लोगों को FF कॉइन 100, 200, 300 करके दिखाई देता है। और साथ ही आप लोग अगर वेंडिंग मशीन में भी जाओगे तो आप लोगों को FF कॉइन 100, 200, 300 करके दिखाई देगा। नंबर 5, पिन। अपडेट से पहले कोई भी सामान अगर आप पिन करते हो तो इतना डिटेल में नहीं दिया जाता था, लेकिन अपडेट के बाद अभी अगर पिन करोगे तो आप लोगों को जो सामान है वो पूरा डिटेल में दिया जाएगा और कुछ लाइन की तरह यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अभी अगर आप इस पिन पे डबल क्लिक करोगे तो आप लोग को रेड कलर की तरह कुछ यहाँ पे शो करेगा। नंबर 6, स्नाइपर डिले। अपडेट से पहले 2 स्नाइपर चलाते वक्त कोई दिक्कत नहीं होता था, बिल्कुल फास्ट चलता था और स्मूथ चलता था, लेकिन अपडेट के बाद अभी अगर 2 स्नाइपर चलाओगे तो आप लोग को स्लो दिखाई देगा, मतलब एक स्नाइपर में से दूसरे स्नाइपर में स्विच करते वक्त थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है, तो ये चेंजेस सभी स्नाइपर में कर दिया है, कार 98, AWM, MB2, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं, कुछ इस तरह से चेंजेस स्नाइपर में कर दिया गया है। नंबर 7, न्यू गन। अपडेट के बाद आप लोगों को एक नया गन दिया गया है और उस गन का नाम है मैक 10, और ये वाला गन अभी सभी मोड में अवेलेबल है। ठीक है, और ये वाला गन MP40 से भी ज्यादा रेंज देता है और इसमें आप लोगों को ऑटोमेटिक साइलेंसर भी दिखने को मिलेगा। नंबर 8, न्यू रैंक। अपडेट से पहले आप लोगों को हीरोइक, इसके बाद ग्रैंड मास्टर दिखने को मिलता था, लेकिन अपडेट के बाद आप लोगों को नया रैंक दिखने को मिलेगा जिसका नाम है मास्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हीरोइक, इसके बाद मास्टर, इसके बाद ग्रैंड मास्टर, और ये वाला रैंक आप लोगों को क्लैश स्क्वाड रैंक में भी मिलेगा और बैटल रॉयल रैंक में भी मिलेगा। नंबर 9, स्प्रिंटिंग सेटिंग। अपडेट से पहले आप लोग को स्प्रिंटिंग सेटिंग में आप लोग को 2 ऑप्शन दिया जाता है, ऑन और ऑफ, लेकिन अपडेट के बाद आप लोगों को स्प्रिंटिंग सेटिंग में या फिर रन मोड में आप लोगों को 3 ऑप्शन दिखाई देगा, एक है क्लासिक, एक है ड्रैग और एक है मिक्स्ड। नंबर 10, न्यू मैप डिज़ाइन। अपडेट के बाद प्लेन से उतरने से पहले अगर आप मैप को देखोगे तो आपका जो है मैप का जो जगह का नाम, जैसे कि मिल हो गया, फैक्ट्री हो गया, बीमा शक्ति हो गया, तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे स्क्रीन में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला नाम बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है, जो कि पहले अपडेट में नहीं किया करता। तो यही बस 10 चेंजेस जो कि मैंने नोटिस किया है गेम के अंदर। अगर आपने भी किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो यही छोटा सा वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया, और ऐसे ही प्यार देते रहना क्योंकि आपके प्यार की वजह से मैं आगे बढ़ मोटिवेट रहता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखना। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम में देखना चाहते हो तो नीचे गए डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप इस ऐसे ही फ्री फायर इवेंट और टिप और टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताना किस टाइप में वीडियो चाहते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल।